ये डिवाइस आपका रन कर रहा है आपका कोर्टेक्स A7 विच इज 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का आपका प्रोसेसर है, विच इज अ 4 कोर प्रोसेसर, मतलब ये आपका क्वाड कोर प्रोसेसर है। आपका अगर जीपीयू देखा जाए इसमें आपको मिलेगा माली 400 MP जीपीयू। इसमें आपको 4 इंच का डिस्प्ले दिया जा रहा है विच इज 480x800। सो आउट ऑफ 1 GB रैम यू विल गेट अप्रॉक्सिमेटली 916 MB ऑफ यूजर रैम फ्री, और अभी जैसे आप देख पा रहे हो लगभग 300 MB तक का रैम आपका फ्री है। दिस डिवाइस इज रनिंग ऑन एंड्रॉइड मार्शमेलो। Currently the battery level is 56% and the temperature is 20 degrees centigrade. Let's start with Subway Surfer. जैसे आपको पता है ये भी आपका एक बेसिक गेम है। I don't think इसको खेलने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लिया। यहाँ पर आपका फ्रंट में एक ही आपका स्पीकर है जो आपका मेन ईयरपीस है और स्पीकर का काम करता है। So, like, अलग से कोई भी आपका स्पीकर नहीं दिया गया है इसमें। साउंड आपका उतना लाउड नहीं है। इवन मैं लगभग एक दिन हो गया मैं इस फोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और बाहर मुझे कॉल वॉल्यूम लगभग सुनाई नहीं दिया मैक्सिमम टाइम, तो मुझे लिंक के साथ वाइब्रेशन मोड पे रखना पड़ा इंटीमेशन की। गेम प्ले आपका ठीक ठाक है, काफी स्मूथ है, मुझे वैसा कुछ लैग अभी उसको नजर नहीं आया। ये आपका और एक बेसिक गेम है विच इज टेम्पल रन। ये भी आपका लोअर एंड गेम है सो आई डोंट थिंक इसको खेलने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी अभी तक। तो अभी तक जैसे आप देख पा रहे हो गेम काफी आपका अच्छा चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। सेंसर्स आर ऑल्सो वर्किंग प्रीटी फाइन। साउंड इज अ बिट वीकर साइड, जैसे आपको पता है कोई डेडिकेटेड स्पीकर नहीं है इस डिवाइस में, सो वो मुझे एक थोड़ा लाइक इफ यू टॉक अबाउट कॉन्स डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द कॉन्स। लेट्स वॉच अ बिट गेम प्ले। ये गेम भी आपका आराम से लोड हो गया, लोड और इंस्टॉल करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और गेम काफ़ी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट और दूसरे गेम के मुकाबले इस गेम का आपका साउंड भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। स्क्रीन सर प्रीटी मच रिस्पॉन्सिव, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है एंड गेम इज ऑल्सो वर्किंग प्रीटी फाइन। Let's play Need for Speed. ये भी आपका एक हाई एंड गेम है, लगभग 750-800 MB का आपका गेम है। लेकिन ये गेम का एक अच्छा चीज़ क्या है, ये मैक्सिमम डिवाइस में बहुत ही आराम से चलता है और ये डिवाइस इसका कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। इस डिवाइस में ये गेम काफ़ी अच्छा से चल रहा है, इवन बहुत ही आराम से ये इंस्टॉल भी हो गया और लोड होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड एज यू कैन सी गेम इज परफॉर्मिंग प्रीटी वेल। Let's watch a bit gameplay. Let's play Asphalt Extreme. ये आपका बहुत ही हाई एंड गेम है। So definitely ये गेम भी आपका बहुत ही आराम से आपका इंस्टॉल हो गया। ये एक्चुअली आपका ऑफ रोड गेमिंग है। आपका Asphalt 8 जो होता है वो ऑन रोड गेमिंग होता है, ये आपका ऑफ रोड गेमिंग है। और आपका जैसे आप देख पा रहे हो ये दिस गेम इज रनिंग क्वाइट स्मूथली। इनफैक्ट मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ, ये बहुत ही आपका अच्छे से चल रहा है ये गेम। टच रिस्पॉन्स इज ऑल्सो प्रीटी गुड, ऑल द सेंसर्स आर ऑल्सो प्रीटी वर्किंग प्रीटी फाइन। इनफैक्ट लेट्स वॉच अ बिट गेम प्ले। लेट्स प्ले फीफा 16।
लोगों को पता है दिस इज वन ऑफ द हाई एंड गेम्स अवेलेबल इन द एंड्रॉयड स्टोर, सो ये बहुत ही आपका हाई एंड गेम है। हालांकि ये गेम इंस्टॉल करने में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आया, इंस्टॉल आराम से आपका हो गया। जैसे मैं बता रहा हूँ ये गेम आपका इंस्टॉल बहुत ही आराम से हो गया, इवन आपका लोड भी बहुत जल्दी हो गया, लेकिन एकदम डेफिनेटली उतना आपको फ्लुएंसी इसमें आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये बहुत ही अटक जा रहा है इनफैक्ट, सो फ्लुएंसी डेफिनेटली मिलेगा लेकिन आप खेल सकते हो। ऑल्दो मैं तो ये, अगर मैं ये डिवाइस इस्तेमाल करता तो ये गेम मैं इसमें कभी भी नहीं खेलूँगा, क्योंकि इतना लैगिनेस से तो आपका और कुछ हो मतलब फीफा तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज फॉर श्योर। दिस इज अ मॉडर्न कॉम्बैट 5, एज यू कैन सी इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन फॉर द टाइम बीइंग। सरप्राइजिंगली दिस डिवाइस इज हैंडलिंग दिस गेम क्वाइट वेल, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा है। जैसे आपने देखा इस डिवाइस का गेमिंग परफॉर्मेंस मैं काफ़ी सरप्राइज टू इनफैक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हेवी गेम्स लाइक एसफॉल्ट एक्सट्रीम मॉडर्न कॉम्बैट 5 ये बहुत ही अच्छे से प्ले करवाया। बाकी हालांकि फीफा 16 उतना अच्छे से नहीं चला, लेकिन नीड फॉर स्पीड भी आपका काफ़ी अच्छा चला। सो इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस एट दिस प्राइस पॉइंट आई थिंक मैं काफ़ी सेटिस्फाइड विद द गेमिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं सभी गेम इंस्टॉल किया, लोडिंग किया, उसमें भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आया। सो If you are looking for a very cheapest phone with a above average gaming performance, definitely Swipe Elite Star आपका बहुत ही अच्छा होगा for a gaming device also. So ये था आपका gaming review of Swipe Elite Star. So if you really like the video, kindly hit the like button and subscribe Data for more videos and updates. You can follow us on Twitter also, which is twitter.data15, or you can like our Facebook page also, which is facebook.data. So अभी तक इतना ही, this is your host Amit signing off from Data. Hope to see you in my next video. Bye-bye.